बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डॉक्टर खुशबक नाम चादर। ये हमारे क्लिनिक के ऊपर दो ट्विंस की डिलीवरी हुई है और हैं ये 30 वीक्स के, मींस के 8 मंथ स्टार्ट हो गया था 2 वीक्स के, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इन्हें एडमिट करना पड़ा। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको IV लाइन पास कर रहे हैं ताकि हम औरल तो कुछ दे नहीं सकते इनको भी, ताकि हम इसको फ्लूइड के थ्रू दें। ये कि IV लाइन हमने इसको पास कर दी है, एक मेल बेबी है और एक फीमेल बेबी है, ताकि हमारे लिए आसानी होगी, एंटीबायोटिक भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। दिखाने का मकसद आपका ये है कि 8 वीक्स के ऊपर भी कुछ ऐसे बेबीज़ होते हैं जो बच जाते हैं, जिनके सर्फेक्टेंट इतने इनफ होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। उनमें से 2 ये आपके पास है, ठीक है। और इसी तरह हम सेकेंड बेबी के लिए भी IV लाइन पास करेंगे। सेम ऑक्सीजन हम इनको ऑलरेडी लगाई हुई है, ठीक है, क्योंकि इनके भी लंग्स इतने फंक्शनल नहीं हैं कि वो खुद अपना ब्रीथ कर सकें। आप देख रहे हैं चेस्ट जो है वो डिप्रेस्ड हो रहा है इसका, ठीक है, डिस्पनिया में जा रहा है पेशेंट को। जो हमारे बेबीज़ हैं उनको थोड़ा मसला है सांस के लिए, ठीक है, जिसे हम डिस्पनिया कहते हैं और डिस्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी मॉर्निंग कर रहे हैं बेबी, इसकी भी IV लाइन पास हो गई है, इसको भी हम इजीली ताकि फ्लूड देंगे। और बेबी के लिए जो हम फ्लूड देते हैं वो 10% होता है, ठीक है, जिन 10% डेक्सट्रोज बोलते हैं कंप्लीट। और उसकी डोज जो होती है हम 10 ml पर kg देते हैं। जैसे 3 kg का बेबी हुआ तो हम 30 ml देंगे BD में, सुबह शाम इसको लगाएंगे, ठीक है। TDS में दे सकते हैं लेकिन हम प्रेफर करते हैं BD में। पेशेंट की कंडीशन पे, बेबी की कंडीशन पे देखें, हमें पता लग जाता है इसको मज़ीद ज़रूरत है या नहीं। और इसी तरह अब हमने बेबी को ब्यूरेट के थ्रू देते हैं, ठीक है, ये सारी इसकी साइड के ऊपर वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई होती हैं। तो हमारे पास ये बेबीज़ हैं जी 3 kg के, इसके लिए हम यूज़ करेंगे 30 ml, ठीक है। ये 10% डेक्सट्रोज, इसके डालने का तरीका ये ऊपर से डलता है, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर। हम अपनी जितनी डोज है मैक्सिमम 40 फिल कर लेते हैं, क्योंकि एयर भी तो हमने निकालनी होती है ड्रिप सेट से। 10 ml उसमें यूज़ हो जाता है। इसी तरह से एक ब्यूरेट हमने रेडी कर लिया, सेम यही प्रोसेस सेकंड ब्यूरेट के लिए करेंगे और IV लाइन के अंदर से हम इसको पास कर देंगे, ठीक है, ताकि आराम से देखें। दोनों ब्यूरेट हमारे रेडी हो गए हैं और ये हम क्लीन कर रहे हैं इसको, एयर रिमूव कर रहे हैं जी। 2 बेबीज़ हैं तो हमारे पास इस टाइम एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल है और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हम ज़रा इसके ड्रिप सेट अटैच कर दें साथ। NPO तो हम दे नहीं सकते ना, इतना ही एक्टिव नहीं है अभी, है इनको भी सांस में ही काफ़ी मुश्किल हो रही है। जब तक इनके सांस बेहतर नहीं होता तब तक हम इसको फिल्टर के थ्रू कुछ नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक भी रहेंगे, वो हमारे दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि आपको पता लग जाए कि कोई भी एक अन मेडिकल स्टूडेंट जाए हॉस्पिटल तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें ये लगा है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास और इसके थ्रू एक बेबी को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मीटर है, इससे से पता लग जाता है कितना प्रेशर है हमारे पास। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये इलेक्ट्रिकल है, ये बिजली के थ्रू चलता है, ये जितना मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर ले, कोई इशू नहीं होता, कोई ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कैंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।